कभी कभी इत्तेफाक में होगा बहुत बड़ा हादसा, वो भी आकृति के साथ। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि गुनगुन यहाँ पर मोर्चा निकाल कर अनुभव के लिए इस केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने और हाई अथॉरिटी को प्रेशराइज करने के लिए मोर्चा निकालते नजर आती है स्टूडेंट्स के साथ में, और यहाँ पर गोलू चाचा और वो सब लोग भी मुंबई पहुँच कर उसकी मदद करते दिखते हैं। वहीं देखने को मिलता है कि अनुभव झुकने को तैयार नहीं और उसे गुंडे बहुत बुरी तरह से पीटते नजर आते हैं। तो वहीं देखने को मिलने वाला है कि आतंकवादी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि वो जल्द ही अनुभव को लेकर कहीं और पहुंच जाएंगे और उसका जो लोकेशन है वो नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर कमिश्नर सारी सच्चाई जानकर यानी कि अब उसकी और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते नजर आता है और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ आकर यहाँ पर मोहल्ले से आई औरतों पर भी उनको लेक्चर सुनाती नजर आती है, साथ में परिवार वालों को भी ताने सुनाती है कि वो सब लोग गुनगुन का साथ दे रहे हैं अनुभव को बचाने में, जबकि सब इस सब की जिम्मेदार भी गुनगुन ही है। अब देखने को मिलने वाला है कि अब गुनगुन यहाँ पर देख खुद ही यहाँ पर कमिश्नर के साथ में अनुभव को बचाने पहुंचेगी, जहाँ पर अनुभव की जगह गुनगुन को गोली लग जाने वाली है। यहाँ दोस्तों देखने को मिलेगा कि गुनगुन अब यहाँ पर अपनी जान खतरे में डालने वाली है जानबूझकर, क्योंकि उसे लगता है कि गुनगुन को मारने के चक्कर में आतंकवादी बहुत बड़ी गलती करेंगे और इसी चक्कर में अब गुनगुन को गोली लग जाएगी। ओ यहाँ पर देखने को मिलेगा अनुभव यहाँ पुलिस की मदद से गुनगुन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा और वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है और घर वाले यहाँ पर गुनगुन से सभी लोग माफ़ी मांगते नजर आएंगे और आकृति को दो चार बातें सुनाते नजर आएंगे।